नमस्कार दोस्तों, उत्तम टेक्निकल हेल्प में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल के हॉट स्पॉट को कैसे सही कर सकते हैं। बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम अपने दूसरे फ़ोन से जब हॉट स्पॉट अपने एक दूसरे फ़ोन में लेना चाहते हैं या फिर अपने किसी दोस्त को फ़ोन में देना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमारे हॉट स्पॉट का नाम ही नहीं शो करता है, या फिर अगर शो कर देता है तो वहाँ पर हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, या फिर वहाँ पर हॉट स्पॉट ऑन होता है लेकिन आपके फ़ोन में एरर दिखाता है दोस्तों। इस तरह की समस्या आ जाती है, तो इन तरह की समस्याओं से कैसे आपको छुटकारा पाना है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि हर डिवाइस में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, खास करके ओप्पो और एमआई के फ़ोन में ज़रूर आती है। ठीक है, ओप्पो का अगर फ़ोन है या फिर एमआई का फ़ोन है या फिर आपके पास ऑनर का फ़ोन है, तो इस तरह के फ़ोनों में ज़्यादातर ये समस्या आती है, और सैमसंग के फ़ोन में सो डिवाइस का नाम सो ना करने की भी समस्या आती है। तो इन तीनों समस्याओं को मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में अपने, और यहाँ पे हॉट स्पॉट पे जाना है। अगर आपका हॉट स्पॉट शो नहीं कर रहा है तो आपको हॉट स्पॉट पे जाना है, और यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स बता रहा हूँ, उनको आपको ध्यान से देख लेना है, उसके बाद आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको डिवाइस की जो ये कनेक्टिंग डिवाइस लिखा हुआ है इस पर आपको चले जाना है, और यहाँ पर आपको चेक करना है लिमिट। ठीक है, लिमिट अगर आपकी अनलिमिटेड लगी हो तो इसको घटा के आपको 4 या 5 कर देना है, क्योंकि अगर अनलिमिटेड होता है और आप किसी ऐसे सर्वर पे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके सर्वर पे 5-6 लोग से ज़्यादा कनेक्ट हो गए हों और आपने अनलिमिटेड लगा रखा है, तो डिवाइस कभी कभी लोड नहीं ले पाता, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम मतलब आपका जो रियल डिवाइस है जिसको आप सच में कनेक्ट करना चाहते हैं वो नहीं कनेक्ट हो पाता है। ठीक है, तो आप इसको 2 या 3 कर लीजिए, जो भी आप करना चाहें अपनी फ़ोन की क्षमता के हिसाब से कर लीजिए, अनलिमिटेड मत रखिए। तो मैंने यहाँ पे 2 कर लिया है। ठीक है, उसके बाद अब इसकी अगली सेटिंग के बारे में बता देते हैं दोस्तों। अगली सेटिंग दोस्तों ये है कि आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला, ठीक है, यहाँ पे जब आप हॉटस्पॉट ऑन करते होंगे तो यहाँ पे कुछ फ़ोनों में इरर लिखा होता है, ये जैसे लिखा हुआ है एक्टिव, ये एक्टिव नहीं लिखा होगा, यहाँ पे इरर का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला दूसरे नंबर का ऑप्शन है ना, सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है इसको आपको डिफ़ॉल्ट कर देना है। ऐसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पोर्टेबल हॉटस्पॉट पे लगा दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको इससे हटा के आपको डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन था ये वाला, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपका ये 5 GHz बैंड से नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप इसको 2.4 GHz बैंड पे कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस ऊपर वाले पे करने में 90% चांस है कि वो चल जाएगा, लेकिन ये चले अगर ऊपर वाले पे ना चले तो आप नीचे वाले पे कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट मॉडल जो आ रहे हैं वो बहुत ही हाई पावर के आ रहे हैं दोस्तों, तो उनमें कभी कभी ऐसा होता है कि 2.4 में स्पीड कम आती है और 5.5 GHz पे स्पीड ज़्यादा आती है, लेकिन 5 GHz जो होता है वो हर फ़ोन सपोर्ट नहीं कर पाता है। अगर 5 GHz लगा है और नहीं चल रहा है तो आप उसको 2.4 पे लगा दीजिए, चलने लगेगा दोस्तों। तो एक तो हो गई ये दोस्तों जानकारी। ठीक है, उसके बाद आते हैं दोस्तों, बहुत से लोग पासवर्ड नहीं सेट कर पाते हैं, तो पासवर्ड कैसे सेट करते हैं दोस्तों, तो इसको आपको ये जो पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको टिक कर देना है, यहाँ पे पूरा पासवर्ड दिख जाएगा जो आपका पासवर्ड होगा, आप यहाँ से अपना पासवर्ड शो भी करा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना पासवर्ड यहाँ से शो करा लीजिए, और शो कराने के बाद अगर आप चेंज करना चाहें तो इस कीबोर्ड में क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपके डिवाइस का नाम आएगा, अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस सेव वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से, उसके बाद अपने फ़ोन को आपको ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद जब आप ऑन करेंगे और दोबारा से अपने अपना नेट ऑन ज़रूर कर लें, ये याद रखना, ये मत भूलना, नेट ऑन कर लें उसके बाद ही वाईफाई हॉटस्पॉट दें। ठीक है, जब आप ऑन करेंगे तो आपका 100% जो हॉटस्पॉट है वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपके फ़ोन में कोई मतलब अलग से प्रॉब्लम नहीं है। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है मतलब सेटिंग से कोई गड़बड़ी है तो सही हो जाएगी, अगर आपके फ़ोन में किसी पार्ट की प्रॉब्लम है तो वो फिर नहीं सही हो पाएगी, वो आपको शॉप में सही करानी पड़ेगी दोस्तों। तो इस तरह से मैंने अपने फ़ोन की सही की है, आप भी सही कर लीजिए। मेरे फ़ोन में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरा फ़ोन किसी भी दूसरे फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस तरह की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स रही होंगी छोटी मोटी, ये सब सॉल्व हो गई होंगी, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो नॉट कनेक्टेड की आती है, तो प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी जो मैंने अभी बताया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दो। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।